करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं अफसफा के बारे में यानी सशस्त्र शक्ति, विशेष शक्तियां अधिनियम के बारे में सताइस सितंबर को पूरे मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित करके अगले छह महीने के लिए अफसफा लगा दिया गया है सिर्फ उन्नीस स्थानों को इससे बाहर रखा गया है जहाँ ज्यादातर आबादी की सबसे पहले हम हम बात करेंगे कि कि इसे कब बनाया गया था। इसके बाद हम देखेंगे कि यह कानून क्यों जरूरी है संगठन ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए अफस्फा बनाकर सैन्य बलों को कुछ विशेष अधिकार दिए थे आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने भी इस कानून को जारी रखने का फैसला लिया उन्नीस में एक अध्यादेश के जरिए अफस्फा को लाया गया था तीन महीने के बाद ही अध्यादेश को संसद की स्वीकृति मिल गई और 11 सितंबर उन्नीस को अफस्फा एक कानून के रूप में लागू हो गया अब हम बात करेंगे अफस्फा लागू होने पर सैन्य बलों को अलग से क्या अधिकार मिलते हैं सैन्य बलों के जवान अशांति फैलाने वाले किसी भी शख्स पर गोली चला सकते हैं कार्रवाई से पहले उसे सिर्फ एक चेतावनी देना जरूरी होता है सैन्य बलों के जवान शक के आधार पर किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं या किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं पड़ती जब तक केंद्र सरकार मंजूरी ना दे तब तक सैन्य बलों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है किसी भी क्षेत्र को केंद्र सरकार राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल अशांत घोषित करके अफस्फा लगा सकते हैं अगर मणिपुर की बात करें तो अब हम देखेंगे कि मणिपुर में इसे क्यों बढ़ा दिया गया है, है। शांति बहाल करने के लिए उसी फौज की जब देश के अंदर तैनाती होती है तो कई व्यवहारिक अड़चने आती है देश के अंदरूनी मामलों में फौज की तैनाती से टकराव की स्थिति बनती है आम नागरिक सिविल सोसाइटी राजनीतिक दल और स्थानीय प्रशासन के साथ फौज के टकराव की वजह से सरकार पर अफस्फा हटाने का एक तरह से प्रेशर होता है, यही है, कि कोई सरकार हटाती है तो इसका जमकर प्रचार करती है वही स्थानीय लोगों पर यह पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है कई बार चुनाव में उन्हें इसका फायदा भी मिलता है मणिपुर में अफसफा बढ़ाने के फैसले से राज्य की सच्चाई सामने आई है मणिपुर की समस्या राजनीतिक है इस राजनीतिक समस्या का राजनीतिक समाधान खोजना होगा सरकार मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए जब राजनीतिक हल नहीं खोज पा रही है तो अब अफस्फा को आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है अफस्फा का विरोध कब कब हुआ है तो अफस्फा के विरोध का जिक्र हो तो सबसे पहले मणिपुर की इरोम शर्मिला का जिक्र होता है नवंबर 2000 में सेना ने कथित रूप से 10 लोगों को गोली मार दी थी इस घटना के वक्त इरोम शर्मिला वही मौजूद थी इस कानून को हटाने के लिए इरोम चानू शर्मिला ने 16 साल भूख हड़ताल भी की थी इस कानून के खिलाफ मणिपुर की तीस महिलाओं ने नग्न होकर प्रदर्शन भी किया था अगर हम बात करें कि अफसफा का विरोध क्यों होता है तो राज्य सरकारों मानवाधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अफसफा से मिली शक्तियों का सेना दुरुपयोग करने लगती है सेना पर फेक एनकाउंटर करने मनमाने ढंग से गिरफ्तारी करने और हिरासत में टॉर्चर करने के आरोप लगते हैं अफसवा प्रभावित इलाकों में सेना के जवानों पर किसी भी तरह के मुकदमे के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होती है इसलिए ऐसे मामलों में केस दर्ज करके निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती है अगर हम बात करें कि इसके पक्ष में क्या तर्क है तो ये कानून जहां लागू है उन इलाकों में उग्रवादी गतिविधियां होती रहती हैं, भारत और म्यांमार की सीमा के दोनों तरफ कई अलगाववादी विद्रोही संगठनों के ठिकाने हैं इसलिए सेना को छूट मिलनी जरूरी भी है नागालैंड के अलावा मणिपुर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सक्रिय है जो सेना पर हमले करती रहती है इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी अलगाववादी संगठन सक्रिय हैं। इन संगठनों से निपटने और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी है कि सेना को विशेष अधिकार दिए जाएं। साल 2004 में यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया था इस कमेटी ने अफस्फा कानून को हटाने की सिफारिश की थी हालांकि इसी तरह की एक दूसरी कमेटी कानून लागू करने की सिफारिश भी कर चुकी है यूनाइटेड नेशन ने 2012 में कहा था कि अफस्फा कानून लागू किए जाने वाली जगहों पर फेक एनकाउंटर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के आरोप सुरक्षा बल के जवानों पर लगते रहते हैं ऐसे में किसी भी लोकतांत्रिक देश में अफसफा जैसे कानून की कोई जगह नहीं है अगर ये बात की जाए कि क्या अफस्फा एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है तो हाँ अफस्फा शुद्ध रूप से राजनीतिक मुद्दा बन गया है जबकि ये प्रशासनिक मुद्दा होना चाहिए इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों का रुख बदलता रहता है जो पार्टी विपक्ष में रहकर राज्य से अफस्फा हटाने का वादा करती है वही सत्ता में आने के बाद राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसे जरूरी बताती है हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अफसफा का दायरा घटाकर नॉर्थ ईस्ट के राज्य में लोकप्रियता हासिल की है मणिपुर में दो समुदायों के बीच हिंसा के दौरान स्थानीय पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं ऐसे में सरकार ने मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए अफसफा लागू करने का फैसला किया है किसी राज्य में अफसफा लागू होने का मतलब ही है कि वहां शांति और सुरक्षा के लिए इसका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है इसके साथ ही आज का हमारा विषय यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ आप हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस आइकन टू अपडेट